इस वीडियो में बात करेंगे डेंटल एब्सेस के बारे में, जो मुंह में पस बनता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों ये बनता है, इसकी हम बात करेंगे। जनरली आप लोगों ने कमेंट में कई बार पूछा हुआ है कि हमारे दांतों के नीचे एक फुंसी जैसी हो जाती है, एक पिंपल हो जाता है जिससे पस निकलता है और कई बार अपने आप वो ठीक हो जाता है, कुछ समय बाद फिर से वैसा ही होता है, फिर से पस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हम समझेंगे इससे क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्यों ये होता है, कितने टाइप का होता है और क्या ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है, ये सारी हम बातें करेंगे। अगर आपके भी ये क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी उससे। और अब आप इजी डेंटिस्ट्री को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पस क्यों बनता है। हमारे मुंह में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे मसूड़ों में जो हमारी बोन है, दांतों की बोन है बीच में, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, या हमारे मुंह में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो पस बनना स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो इसको हम जनरली एब्सेस बोलते हैं। कितने टाइप का होता है अभी हम देखेंगे, पहले इसका हम कारण समझ लेते हैं। तो जनरली ये होता है पुअर ओरल हाइजीन के कारण, एक जो इसका रीज़न है। अगर हाइजीन हम मेंटेन नहीं रख पाते हैं हमारे मुंह की, जनरली हमको लगता है कि हम साफ रख रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, लेकिन हम क्लीन प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। सिर्फ हम ब्रशिंग करते हैं और हमें लगता है कि हम साफ रख रहे हैं, और भी सारी प्रोसीजर होती है तो उसके ऊपर अलग वीडियो बनाया भी हुआ है पहले। तो पुअर ओरल हाइजीन अगर है, अच्छे से हम साफ नहीं कर पा रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है तो पस बनने की प्रॉब्लम होती है, एब्सेस होने की प्रॉब्लम होती है। कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी डाइट में ज़्यादा है, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, शक्कर अगर ज़्यादा आपकी डाइट में है तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉब्लम हो सकती है और कारण हो सकते हैं, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है, और भी कारण है। जो जनरल रीज़न है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार का ये होता है, जो पस बनता है, एब्सेस होता है, कितने टाइप का होता है। तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिएपिकल एब्सेस। इसको हम समझते हैं, जो हमारा दांत है ऊपर से तो हार्ड दिखता है, लेकिन इसके बीच में पल्प होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, और ये जड़ों तक जाता है, नीचे तक जाता है, जिसमें अगर इन्फेक्शन होता है, जो हमारा पल्प है, इन्फेक्शन यहाँ तक अगर पहुँच जाता है तो पस बनना स्टार्ट होता है, और ये हमारे जो दांत की जड़ है उसके नीचे इकट्ठा होने लगता है। जो हमारे दांत का पेरी रेडिकुलर एरिया होता है, जो दांत के जड़ के नीचे वाला एरिया होता है, वहाँ की बोन में ये इकट्ठा होने लगता है, और इसको हम बोलते हैं पेरिएपिकल एब्सेस। सबसे कॉमन एब्सेस ये है। ऐसी कंडीशन में जो आप लोगों ने पूछा हुआ है कि आपको एक पिंपल दिखता है उससे पस निकलता है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, असल में जब पस ज़्यादा हो जाता है आपके दांत खराब होने के कारण तो वो बाहर आने लगता है। बोन में अगर पस ज़्यादा है तो वो आपके गम से, आपके मसूड़ों से बाहर आने लगता है। तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पिंपल नहीं है, आपके दांतों में इन्फेक्शन है, आपकी बोन में इन्फेक्शन है, इस कारण वो होता है, इसलिए उसको ट्रीट कराना ज़रूरी होता है। अब जो दूसरा इन्फेक्शन है, दूसरा एब्सेस है, वो होता है, उसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस। अभी हमने जो देखा पेरियोपाइकल एब्सेस, दांतों की जड़ों के नीचे अगर पस बन रहा है तो उसको हम पेरियोपाइकल एब्सेस बोलते हैं। दूसरा पेरियोडोंटल एब्सेस, ये होता है बोन में, दो दांतों के बीच वाली जो बोन है अगर उस पर इन्फेक्शन होता है, दो दांतों की जड़ों के बीच में जो बोन है उस पर अगर इन्फेक्शन होता है, वहाँ पस बनना स्टार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस। रीज़न हमने देख लिए, लगभग सबके एक से कारण है, जो इन्फेक्शन बढ़ता है उसके एक से कारण है, तो इसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस, अगर दो दांतों के बीच में हो रहा है तो। इसके कारण भी आपको स्वेलिंग लग सकती है, सूजन आपके मुंह में आ सकती है, किसी किसी कंडीशन में पस बाहर आ सकता है, बाहर आपको आते हुए दिख सकता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो स्वेलिंग आपको ऊपर भी दिख सकती है, या फिर थोड़ा कम है तो जो हमारी बोन के ऊपर गम्स होते हैं वहाँ पर दांतों के बीच में आपको ये इन्फेक्शन दिखेगा, इसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल एब्सेस। इसके बाद होता है थर्ड, जिंजाइवल एब्सेस हम जिसको बोलते हैं। अगर मसूड़े के ऊपर, गम्स के ऊपर आपको स्वेलिंग दिखती है, उसमें पस दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं जिंजाइवल एब्सेस, और ये हमें दिखेगा जहाँ हमारा दांत ख़त्म होता है, मतलब मुँह में जहाँ हमारा दांत दिखना ख़त्म होता है वहाँ पर ये दिखता है, मसूड़ों के ऊपर ये दिखता है, इसको हम बोलते हैं जिंजाइवल एब्सेस। जो क्राउन पोर्शन होता है दांतों का, जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमारे मुंह में दिखता है, ये वाला पोर्शन जो हमारे मुंह में दिखता है, उसके जस्ट पास में अगर ये होता है तो इसको हम बोलते हैं जिंजाइवल एब्सेस। उसके आगे
रूट स्टार्ट हो जाती है, जड़ें स्टार्ट हो जाती हैं जो बोन के अंदर होती है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है, उसमें जो पस होता है, उसके बारे में अभी हमने समझा। तो ये थर्ड होता है जिनजाइवल एब्सेस, पेरियोपाइकल एब्सेस, पेरिडोंटल एब्सेस और जिनजाइवल एब्सेस। इसके बाद अगला होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकोरोनल एब्सेस। अब ये क्या होता है, किस टाइप का होता है? तो कोरोनल पोर्शन हम बोलते हैं हमारे दांत का, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे मुंह में दिखता है वाइट वाला पोर्शन, अगर इसके ऊपर मसूड़ा आया हुआ है, गम्स आया हुआ है और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो रहा है फूड लॉजमेंट के कारण, खाना फंस रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर पस बनना स्टार्ट हो जाता है। जनरली ये होता है विजडम टूथ में, जो आपकी अकल दाढ़ है उसको निकलने के लिए जगह नहीं होती है, तो ये एब्सेस दिखता है जनरली आपको विजडम टूथ में, जो अकल दाढ़ है उसके ऊपर आपको दिखेगा, उसके ऊपर जो गम्स कवर होता है, मसूड़ा कवर होता है, वहाँ पर खाना फंसता रहता है, इन्फेक्शन बनता रहता है, अच्छे से हम क्लीन नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे करके पस फॉर्म करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकोरोनल एब्सेस। तो ये कुछ रीज़न है जिसके बारे में हमने समझा कि पस बन सकता है, कितने प्रकार के एब्सेस हो सकते हैं, मुंह में आपको पस क्यों दिखता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कितना ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन आपके मुंह में हो रहा है, पस आपके मुंह में बन रहा है, तो जिस भी टूथ में है उसमें आपको पेन होगा। जनरली किसी किसी केसेस में पेन नहीं होता है, इसलिए हम अवॉइड करते रहते हैं। तो अगर आपको पस बनने की प्रॉब्लम है तो उसको हमें नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं समझना है, हमारे दांतों में, बोन में इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको आपको चेकअप कराना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो और क्या प्रॉब्लम होती है, दांत में प्रॉब्लम आपकी होगी, अगर बोन में बढ़ रहा है तो बोन में आपके प्रॉब्लम होगी, जो बोन है आपके दांतों को जो सपोर्ट देती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर जिंजाइवल एब्सेस है, गम्स में, मसूड़ों में अगर एब्सेस है तो मसूड़े आपके नीचे जाने लगेंगे, रिसेशन होने लगेगा गम्स का, मसूड़ों का, और जो आपके दांतों की पकड़ है, मजबूत पकड़ जो होती है वो कम होने लगेगी, धीरे धीरे करके दांत आपका एक समय बाद हिलने लगेगा। और जो कॉमन प्रॉब्लम इसके कारण होती है वो है बैड ब्रीथ, जो पस अगर बन रहा है तो मुंह से बदबू बहुत आती है, ये एक रीज़न है। अगर काफ़ी समय से आपके मुंह से बैड ब्रीथ आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि किसी दांत में आपको इन्फेक्शन है, पस है, ये आपको चेकअप कराना है। इसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर विजडम टूथ में है जैसे हमने आपको बात की, तो उसमें तो प्रॉब्लम होती ही है, बहुत सीवियर पेन होता है, यहाँ पर आपको पेन होगा, और अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो ईयर तक, कान में भी होता है, और ये दर्द आपके सर तक भी, ऊपर भी ये जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है जो पस के कारण होती है। अगर इनिशियल स्टेज में ही हम इसको समझ कर इलाज करा लें तो काफ़ी परेशानी से हम आगे बच सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, पस आपका बाहर दिख रहा है ज़्यादा है, तो इसको ड्रेन किया जाता है, पस ड्रेनेज किया जाता है एब्सेस से। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें इंसिजन देकर, कट लगाकर पस को ड्रेन किया जाता है। इसके बाद अगर किसी दांत पर ज़रूरत पड़ती है, पेरिअपाइकल एब्सेस है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर सजेशन में दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो किसी केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपका दांत बचाया जा सकता है। पेरिडोंटल एब्सेस अगर है तो उसकी क्यूरेटेज किए जाते हैं, मतलब कि उसको क्लीन किया जाता है, आपकी जो बोन है उससे पस को निकाला जाता है, क्लीन किया जाता है और मेडिकेशन दिया जाता है। इसके बाद अगर पेरिकोरोनल एब्सेस आपको हो रहा है, विजडम टूथ जो है, अकल दाढ़ है, उसके ऊपर अगर आपको पस बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर अकल दाढ़ को निकलवाना भी पड़ सकता है, और अगर वो सीधी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, पस को ड्रेन कर दिया जाता है, उससे भी आपका दांत बच सकता है। और अगर जिंजाइवल एब्सेस है तो स्केलिंग जो होती है, दांतों की सफाई होती है, और रूट प्लानिंग एक ट्रीटमेंट होता है, इससे भी आपका जो एब्सेस का प्रॉब्लम है, पस का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाता है। और इनके साथ साथ एंटीबायोटिक्स आपकी चलती हैं, दवाई चलती हैं, अगर दर्द है तो पेन किलर्स, एनसेड्स होती हैं, या एनाल्जेसिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो दवाइयाँ आपकी साथ साथ में चलती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पस बनने की प्रॉब्लम है, पूरे मसूड़ों में पस दिखता है या किसी एक दांत के नीचे पस दिखता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको ट्रीट कराना है, तो आगे आने वाली परेशानी से हम बच सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।